आज की वीडियो में बात करेंगे एमएस अक्टूबर 2021 का जो एडमिशन अभी ओपन है, तो इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए, कौन एडमिशन ले सकता है, डायरेक्ट एडमिशन किस तरीके से होता है, इन सभी बातों को मैं आज की वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो जिसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि इन सभी बातों को आप डिटेल में समझ सके। चलिए शुरू करते हैं, सभी बातों को जानेंगे, डिटेल में समझेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ बोलो, चलो बोलो मेरे साथ जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी, आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आप नए हैं, सोचो मत, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, हर किसी को जिसे भी एडमिशन की रिलेटेड जानकारी चाहिए वहां तक इस वीडियो को पहुंचा दो, वहां तक पहुंचाना चाहिए, और कमेंट में जय श्री राम, भारत माता की जय जरूर लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बातों को समझते हैं डिटेल में। आपने पास किया हुआ है 10th क्लास, अगर 10th क्लास आपने पास किया है तो 10th क्लास के आपका सेम ईयर का है, यहाँ पे मायने ये रखता है। अगर आप सेम ईयर वाले हैं, आपने सेम ईयर में ही आपने पास किया है, तो देखो यहाँ पे आपको दिमाग में ये बिठाना है कि एनएस के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट 12th में एडमिशन होता है। अब 12th में होता है यानी 10th के बाद सीधा 12th होता है, बीच का 11th नहीं होता है। तो जब 11th नहीं होता है तो फिर क्या तरीका है समझो, इसमें होता ये है कि बीच में क्या है कि 10th के बाद 12th के लिए बीच में गैप होना जरूरी होता है। तो आप जानते हैं कि इनके एग्जाम क्या है, 2 बार होते हैं एक साल में। गैप बनाने का तरीका क्या है यहाँ समझिए, आपको पास होने के लिए 12th में, आपको पास होने के लिए आप एडमिशन ले तो सकते हैं, ठीक, 12th में आप सेम ईयर वाले हो, 10th के हो, 12th में आप एडमिशन ले तो सकते हो, लेकिन पास होने के लिए चाहिए होता है 5 सब्जेक्ट। तो यहाँ पे एनएस जो है आपको 5 सब्जेक्ट के एग्जाम जो है फर्स्ट सेशन में अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि आपका सेम ईयर है गैप बनाने के लिए। तो आप क्या है 5 सब्जेक्ट से कम आप 4 सब्जेक्ट ले सकते हो, आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हो। जब आपने 4 सब्जेक्ट लिया तो आपने 1 सब्जेक्ट क्या किया, आपने नेक्स्ट सेशन के लिए छोड़ दिया। अगर आपने 3 लिया अभी तो अगले के लिए आपने 2 जो है सब्जेक्ट को छोड़ दिया। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इसकी बातों को समझते हैं, समझिए ध्यान से। होता क्या है यहाँ पे कि अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा, जैसे हम यहाँ समझ लेते हैं कि आपने क्या किया, अपना एग्जाम जैसे अभी अक्टूबर के लिए आपने फिलअप किया 2021 के लिए, तो आप इसमें 3 सब्जेक्ट के पेपर दे दो, और इसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन इनका आएगा वो आएगा अप्रैल 2022 के लिए। तो 2022 वाला जो सेशन आएगा इसमें आपके बाकी बचे 2 सब्जेक्ट, इसका एग्जाम यहाँ दे दो। तो इस तरीके से आपके 5 सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपका जो है ये रिजल्ट जो है डिक्लेयर कब होगा, ये 22 में जाके होगा, तो अप्रैल 2022 में आप जो है 12th क्लियर करेंगे। तो ये कंडीशन हो गई कि जिनके पास गैपिंग नहीं है उनके लिए। लेकिन बात आ जाती है कि आपने पहले कर रखा है, 2 साल 3 साल पहले कर रखा है, गैपिंग बना हुआ, सेम ईयर में नहीं आ रहे हो, तो इस कंडीशन में क्या है, ये हमारा हो गया, तो इस कंडीशन में क्या है, आप गैपिंग नहीं है, तो इस कंडीशन में ये हो जाता है कि आप एक बार में 5 सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हैं। तो अब बात आ जाती है आप एग्जाम लेना चाहते हो, तो देखो सिंपल सी बात है, सारी बातें तो मैंने आपको डिटेल में बताई दिया है। आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप खुद भी ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन एडमिशन लेने में आपको दिक्कत है फिर आप हमसे जुड़िए, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपका एडमिशन हम करेंगे। और हमारा जो है ये यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि हमारा जो जो जेन्यू जो फीस होती है, जो एक फीस होगी एक्चुअल, उस फीस पे हमारा कुछ जो है अपनी सर्विस चार्ज होती है जो अलग से होता है, जो आपको पे करना होगा। अगर आप चाहते हैं तभी आप हमें कॉल करें, नहीं तो फिर कॉल ना करें। बाकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए वीडियो तो मैं बना ही देता हूँ। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम। देश के किसी भी कोने से एनएस में 10th और 12th में दाखिला लेने तथा उसकी तैयारी करने के लिए आप हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हम आपकी तैयारी ऑनलाइन थ्रू कराएंगे और किसी भी प्रकार की तैयारी में कमी नहीं होगी। इसके आगे बात करते हैं, अगर आप इग्नू, SOLDO, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह की दिल्ली में जितनी भी सरकारी ऑफिस है, आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी परेशानी को लेके मैं आपके बदले में जाऊं, क्योंकि अभी इस टाइम दिल्ली में आप हैं नहीं, आप दूसरे स्टेट में हैं और आपके लिए जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और आज ही आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम से जुड़ जाइए, ताकि आपकी परेशानियों को लेके हम आगे बढ़ सके। अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आगे मैं आपको बता दूं, अगर आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं, आपने बहुत कोशिश की इंग्लिश कहीं भी नहीं सीख पाए, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है कि आप हमारे CVS प्रोग्राम के थ्रू जुड़िए, क्योंकि अंग्रेजी सीखना बच्चों का खेल है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा ट्रिक बनाया है जिससे मदद से हर कोई इंग्लिश सीख सकता है अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है। चलिए अधिक जानकारी के लिए, आप डेमो लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें।